क्या छोड़ना है। पब्लिक की शदीद दरख्वास्त की वजह से आज समी आसिम खान, अमान आसिम खान विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लीज बी एनर्जेटिक ब्रो। फैमिली एंड फ्रेंड्स, इतना क्रिंज लगा है ना, झटके लग रहे हैं मुझे। आज मैच है क्वेटा और मुल्तान का। अनफॉर्चुनेटली मैं चाह रहा था कि काश मुझे कराची किंग्स का और इस्लामाबाद का मैच देखने को मिल जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम पे सारा काम हुआ है। तो वी हैव द प्रीमियम पासेस विद अस, अभी जाएंगे अंदर। हमारा गेट है A4, अभी हम लोग हैं A11 के पास, तो और आगे चलना पड़ेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं हमेशा से टीवी पे देखता आ रहा हूँ, तो राइट नाउ वी आर लुकिंग इन रियल लाइफ। बहरहाल, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम इन अ क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले गया हूँ अपना स्कूल के दोस्तों के साथ, मतलब जो होते थे इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, मगर ऑफिशियली आई हैव नेवर एवर बीन टू द स्टेडियम। तो इंशाल्लाह आई होप कि मज़ा आएगा। शुरू होगा 8 बजे और तकरीबन एंड होगा लेट्स से 11:30-12 बजे तक, तो घर की वापसी होगी 1:30 पे, राइट? तकरीबन A9, A8, A7। मेरा कोई शौक तो नहीं है अपना क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, मगर ये है कि बहुत से लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि समी आसिम दुबई में रहते हुए यू आर नॉट गोइंग टू PSL, आर यू इवन सीरियस? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब कुछ है नहीं खास अभी फ़िलहाल ब्लॉगिंग करने को, तो लेट्स गो टू PSL, वॉच द मैचेस। मगर भाई बात है, मैं चाह रहा था कि काश कराची किंग्स और यूनाइटेड के देखने को मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता। कसम से कैमरे की लाइटनिंग है, इतना गोरा चिट्टा मैं कभी नहीं लगा। मगर उसे हटके लेट्स गिव यू सम स्टेडियम इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी सीट्स हैं टॉप वाली, ये है प्रीमियम सीट्स। जितनी भी नीचे हैं वो है जनरल एडमिशन। तो फॉर्चुनेटली वी हैव सन्नाटा, बहुत सन्नाटा यार, मतलब नो जोशो खरोश वाई। जो व्यू यहाँ से मिल रहा है ना, शायद इट इज वर्थ वॉचिंग। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल इन रियल लाइफ यार, मतलब आना चाहिए है ना लास्ट में। अभी टाइम हो रहा है 7:50 PM और मैच शुरू होगा 8 बजे। पॉसिबली आई थिंक ये टॉस हो चुका है तभी सन्नाटा हो गया, मगर अभी हो रहा है वार्म अप एज यू कैन सी राइट हियर। और आई एम सॉरी कि अगर आप ब्लॉगिंग की आवाज़ें दो तरफ सुनाई दे रहे हैं, यहाँ से और एक वहाँ से। प्रीमियम बैठने में आपको क्राउड के साथ बैठना पड़ता है, मेरी सारी बातें कसम से सारी बातें मेरी कॉपी करता है। अभी यही बात मैं बोलूँगा कि अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है, अभी हम यहाँ अभी हमारे टाइम तो बोला। तुम जो है ना, लिसन ब्रो, ये मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, स्टॉप कॉपी। ओके, अच्छा जिसने पहले ब्लॉग अपलोड करा वो जीत गया। इसको ब्लॉगिंग की फील्ड में घुसेड़ना जो है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेटिंग थिंग्स एवर। हाँ, अगर आप लोग सोचते हैं कि हम दोनों अकेले आते हैं हर जगह, तो ऐसी गलत बात है। मेरे साथ और भी लोग होते हैं, मगर ऑब्वियसली यार मैं सबको घुस दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए अभी फिलहाल आपको अमान आसिम और समी आसिम का मिलेगा ओनली स्पेसिफिक एडिशन। अब हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कैच अ करोड़ अगर मैंने पकड़ लिया ना, तो इंशाल्लाह आपके भाई के पास सोनी A6500 आएगा, गिम्बल आएगा, ड्रोन अच्छे से अच्छे आएंगे, तो इंशाल्लाह आज का ऑब्जेक्टिव है समी आसिम खान का कैसा करोड़। अगर बैट्समैन यहाँ से यहाँ छक्का मारेगा तो आएगी मेरे हाथ पे, मगर पॉसिबली चांस है कि वहाँ से वहाँ मार दे, तो आई थिंक मैं मार जाना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही कोई फिट आइडिया है जी। तुम्हारी टोपी, ओए ओए भाई, एक भाई नहीं करो, सुन तो लो, तुम्हारी टोपी ऐसे करते हैं, ऐसे जैसे आएगी ना बॉल तो ऐसे कर। आर यू सीरियस? ये कौन सा ड्रोन है? इसे कहते हैं रस्सी वाला ड्रोन। ये सारी रस्सियाँ टंगी हुई है ना, मैं भी लूंगा इंशाल्लाह, आस पास बांधूंगा फिर उड़ाऊंगी, क्या व्यू आएंगे। बैक टू दी टॉपिक, मैंने ये सोचा कि अमान की टोपी निकाल कर, अमान की टोपी मैं थैला, जैसी कोई बॉल आएगी ना ऐसे फैला लेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द टूर्नामेंट इंफॉर्मेशन, मेरा जो ज़ाती अभी डिज़ायर है ना, वो ये है कि काश मेरे पास गिम्बल होता, क्योंकि स्टेडियम में पानी की बोतल तक लाना अलाउ नहीं है, इसलिए अगर मेरे पास गिम्बल होता तो आई वुड प्रोबेबली बी अ पिच इनवेडर। पहली बॉल पे आउट हो गया विद 0 runs 0 hits। ये है दूसरी बॉल, गाइस कैन सी कि क्या स्कोर है, 3-2 हो गया है। दिस इज समथिंग टोटली अनबिलीवेबल, क्योंकि 3-2 यार।
बहुत गंदा वाला धोखा मिला है हमें अहमद शहजाद की तरफ से 3-2। ये मुल्तान का हुआ 3-2 किसका भाई? तू पाकिस्तान में रहता है, कहाँ रहता है बताओ ना। मुल्तान का आउट हुआ है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आउट कर दिया। क्वेटा मैच ले गया बस। आपके लिए एक छोटी सी अपडेट, मुल्तान सुल्तान का 17वें ओवर में हो गया है 100। मेरे ख्याल में जो रन रेट है अभी या फिर जो इनका स्कोर है 106 in 17 ओवर्स, आई थिंक इट इज़ वेरी फेयर, नॉट गुड नॉट बैड, मैक्सिमम 130 तक बनेगा। मगर ये है कि कल के मैच पे जो स्कोर बना था, आई थिंक इट वाज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ पीएसएल। अपने शहर से हटके पिशावर जलमी एक बहुत ही फिट टीम है, खासतौर पर गाना उससे हटके उनकी जो परफॉर्मेंस है सो इट्स आउटस्टैंडिंग। अभी फिलहाल की जो रिपोर्ट है वो 118 for 17.1 ओवर पे, वेरी नाइस। शुरू में मुझे लगा कि वन साइड मैच होगा मगर इस बार मुल्तान सुल्तान ने जो है ना ले ली। मुल्तान का आउट 119 for 5, मैं अभी भी खुश हूँ। ओ भाईजान मुल्तान की टीम साइड पे बैठी है। लगातार छक्के मार रहे, छक्के मार रहे, 143 for 5 और लास्ट ओवर रह गया है तो तकरीबन रन बनेंगे मेरे ख्याल में 156 या 155, ये मेरी प्रेडिक्शन है। 9:30 हो रहे, नींद आ रही है भाई। प्रेजेंटिंग यू द लास्ट बॉल। ओ इन तीनों साहबियों की वजह से हम आ जाएंगे टीवी पे, यही शौक था, पैसे पूरे हो गए आने के, कभी गाँव में अभी तो आए नहीं है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, दे हैव गिवन फ्री हिट टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड वी विल सी इफ दे अवेल इट इन द प्रॉपर वे और नॉट। जब अमान के अंदर का जिन जागता है तो वो जेबों में हाथ डाल के क्या निकालते हैं? नॉट। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फ्री हिट का मौका फिर से मिल गया एंड हियर दे गो। शॉर्ट अपडेट यू गाइस, नीड 22 रन्स फ्रॉम 12 बॉल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाजी हार रहा है और जो सुल्तान है वो गंदी तरीके से इनको मार रहे हैं, तो सूरत हाल बड़ी नाजुक है। रुख कम्प्लीटली बदल चुका है, नीड 9 runs from 9 balls। आई कैनॉट बिलीव इट, क्योंकि कुछ मिनट पहले जो है साफ दिखाई दे रहा था कि मुल्तान लोग जीतेंगे मगर अभी फिलहाल आई थिंक क्वेटा जीत सकता है। क्वेटा की साइड पर एक बंदा नहीं जाता कि मैं देख रहा हूँ, होंगे मतलब ज्यादा कर दिया मैंने होंगे, मगर मुल्तान के जितने फैंस हैं अभी शायद आउटस्टैंडिंग। पूरी ये जो फील्ड है ना यहाँ से लेके वहाँ तक, स्टार्ट बाइटिंग योर नेल्स। नाखून नहीं है ये ठंडी है, ठंडी। मैं बताऊँ वो कौन जीतेगा? क्वेटा। क्वेटा क्वेटा जीत गया, क्वेटा जीत गया। अभी थोड़ी देर पहले 75% चांस था मुल्तान का, लेकिन अब क्वेटा ने ले गया भाई, 99% चांस क्वेटा जीत गया। हियर गोज़ द 7th बॉल एंड ओ यार ये क्या हो रहा है आखिर? अब 70% चांस है क्वेटा के जीतने का, 30% चांस है मुल्तान के जीतने का। उमर गोल 6-24, आर यू सीरियस मैन? ये तो बंदा बना बनाया मैन ऑफ द मैच है। Need 3 runs from 2 balls. This might be the moment of truth. First experience in the stadium and it was very good. बस एक खराबी ये थी कि जो ग्राउंड था ना वो बहुत ही खाली खाली था, काश भरा रहता तो मज़ा आता। स्टेडियम से हम बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही हमें बड़े प्यारे नज़ारे मिले, अपने मतलब के नज़ारे मिले हैं जो कि है 2 Rolls Royce Ghost Series 2। वाओ, उसके साइड पे कैडिलैक एस्केलेड, बेस्ट